नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। ये एक ना सिरोही जाते हुए ना माउंट आबू की तरफ जाते हुए, जब मैं बाड़मेर से ना तो माउंट आबू की तरफ जाते हुए रास्ते में एक ढाबा है, मैं वहाँ पर रुका हुआ था। और इसके पीछे भी एक रीजन है। रीजन ये है कि मैं जब चला ना बाड़मेर से, कल मैं चला तो मेरे को माउंट आबू आना था। माउंट आबू था लगभग 278 किलोमीटर के करीब, पर मैं चलते चलते मैंने सोचा संचोर में रुक जाएंगे। संचोर में रुकने की कोई जगह नहीं मिली, तो इसलिए मैं चलते चलते मैंने सोचा शाम को चलते हैं तो माउंट आबू ही रुकेंगे। तो मैं माउंट आबू के लिए निकल गया। वहां से निकलने के बाद जब माउंट आबू यहां से 25-30 किलोमीटर रह गया था, तो एक पीछे चौराहा आता है चौक, उस चौक से ना मैं निकल गया रोंग साइड की तरफ। रोंग साइड पर 4 किलोमीटर आने के बाद मैंने सोचा यार आगे दिख नहीं रहा माउंट आबू कुछ, क्योंकि हाइट पर है, काफी दूर से दिख जाना चाहिए, पर दिखा नहीं। तो इसलिए फिर मैंने नेट पर सर्च किया, मतलब मैप पर लगाकर देखा, तो देखा कि ओ भाई मैं तो 4 किलोमीटर गलत आ गया। तो फिर यहाँ 4 किलोमीटर आने के बाद मैं वहाँ सामने वहाँ रुक के ना तो सर्च किया, तो जो पता लगा गलत है। तो फिर मैंने सोचा यार अब रात होगी, लगभग 7-8 के करीब का टाइम हो गया होगा, तो फिर मैं ये जो ढाबा है ना इसकी तरफ आ गया। मैं भी चल यहाँ खाना भी खाएंगे और यहाँ रात को रहने का भी पूछ लेंगे। जब मैंने यहाँ भाई से आकर पूछा जी भाई साहब यहाँ रात रह सकता हूँ, तो उन्होंने मेरी लैंग्वेज देखी कि ये हरियाणा से है, तो ये जो ढाबा है ना ये भी हरियाणा वालों का है। तो इसलिए बोला भाई क्यों नहीं, जैसे मर्जी रहो आपका ढाबा है। तो यहाँ खाना वगैरह खाया और रात को यहीं रहा था। अब सुबह नहा लिए, फ्रेश हो गए बिल्कुल, और अब चलेंगे माउंट आबू की तरफ। माउंट आबू जो राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है ये, और इसकी हाइट है जो 1722 मीटर है, वो इसकी जो यहाँ का गुरु शिखर है ना, मतलब सबसे टॉप का जो सबसे ऊपर सिरा है, मतलब शिखर लगा रहा जो भी गुरु शिखर है उसकी हाइट है 1722 मीटर। और हरियाणा, राजस्थान और गुजरात लगभग आसपास यही एक हिल स्टेशन है, तो यहाँ काफी टूरिस्ट आते रहते हैं और यहाँ टूरिस्टों का जमावड़ा लगा रहता है जो भी, और काफी देखने लायक है। और ये शायद 22 किलोमीटर लंबा और 8 किलोमीटर चौड़ा ना ये पठार है, पत्थर का मतलब ये पहाड़ है भी काफी लंबा, और काफी यहाँ हरियाली वगैरह और ठंडक वगैरह, और काफी यहाँ जो मंदिर वगैरह मतलब झील वगैरह काफी अच्छा देखने की जगह है, तो वो दिखाएंगे आपको। तो उससे पहले जो यहाँ भाई लोग है ना जो ढाबे वाले, वो बोल रहे थे भी हमारे भी वीडियो बनाओ थोड़ी, तो आपको उनसे मिलाते हैं। और यहाँ दो हमारे हरियाणा के ट्रक ड्राइवर है, उनसे भी आपको मिलाते हैं। वो बोल रहे थे हमारी भी वीडियो बनाओ, मैं ट्रक के ऊपर चढ़ के खड़ा हूँगा। तो मैंने सोचा ऊपर तो क्या चढ़ना, ऐसे ही मिलवा लेते हैं। तो अब आपको उनसे मिलाते हैं और उसके बाद फिर चलेंगे माउंट आबू की तरफ, जो यहाँ से 25-30 किलोमीटर के करीब है, और वहां जाके आपको दिखाएंगे माउंट आबू का व्यू और वहां के कुछ टूरिस्ट प्लेसेस। तो ठीक है, चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं यहाँ के ढाबे वाले। तो पहुंच गए भाई के पास, अभी आपको उन सभी से मिलाते हैं। राम राम जी भाई जी, क्या नाम है भाई जी? क्या नाम है विक्की जी? और कहाँ जा रहे हो? विशाखापट्टनम। और गाड़ी में क्या है? कोयला। ये इनकी गाड़ी है, सामने कोयला भरा हुआ। और हमारे एक ताऊ जी है। और राम राम जी। राम जी, और ठीक हो? और इनकी ड्रेस देखो, खुले हैं, नजारे मजे हो रहे हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री। और ये भी, ये दोनों गाड़ी, ये दोनों भाई साथ में ही जा रहे हैं विशाखापट्टनम, दोनों ही जा रहे हैं। मेघालय है और कोयला है, कोयला कोयला लकड़ी वाला। चलो बढ़िया, और ठीक है सब? चढ़ के खिंचवानी है फोटो? वैसे ही चल जाएगा काम। ये हमारे भाई साहब जी हरियाणा के, लगभग यहाँ सभी हरियाणा के हैं, पर ये जो भाई साहब रात में इन्हीं के पास आके पूछा था कि यहाँ रहने की जगह मिलेगी, तो ये भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। राम भाई, राम राम। नाम क्या भाई जी? संदीप मलिक भाई। संदीप मलिक है ये हरियाणा से, और यहाँ राजस्थान में सिरोही रोड पर ढाबा है इनका जी, अगर कभी आए तो यहाँ। गाना गाँव बैंसवाल कला, बैंसवाल कला गाँव है, और सोनीपत। और ढाबे का नाम क्या जी? हरियाणा होटल चौटाला। हरियाणा होटल चौटाला, बाकी आपने सुनी लिया जी कहाँ से है। और ये यहाँ सिरोही रोड पर ढाबा है जी, अगर कभी भी आए यहाँ खाना वगैरह खा के जाना, और बहुत अच्छा सिस्टम, बहुत अच्छी व्यवस्था है।
तो अभी चलते हैं हम माउंट आबू की तरफ, अब मिलेंगे आपको रास्ते में, उससे पहले खाना वाना खा ले। और ये भाई लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारा इतना साथ दिया, रात को रहने की जगह और खाने पीने सब व्यवस्था की है। तो ठीक है, अपना बैग वगैरह पैक हो गया, अब चलते हैं आगे की तरफ। यार इतना खूबसूरत एरिया, मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मैं राजस्थान में हूँ। और ये जो एरिया ना आसपास काफी इतना खूबसूरत है कि बस पूछो ही ना। इधर नीचे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी, और वो ऊपर है वो गुरु शिखर, वो बिल्कुल शिखर पर है, मतलब इसको गुरु शिखर बोलते ही है। यहाँ का राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है और सबसे ऊंची चोटी यही है। मेरे को तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट में आ गया हूँ। और अभी तक मैंने राजस्थान में सिर्फ रेत के टीले, मतलब डेजर्ट एरिया और रूखा सूखा एरिया देखा था, पर ये एरिया भी इधर है, ये तो लगता ही नहीं राजस्थान का एरिया है, ये लगता भी कहीं नॉर्थ ईस्ट में आ गया। काफी हरियाली हो जहाँ काफी बारिश होती हो। तो आपको एक बार मैं चारों तरफ का व्यू दिखा देता हूँ कि कितना खूबसूरत और गजब का व्यू है भाई, मस्त जगह है भाई। आप भी जरूर आओ यहाँ, ट्रैवल करो, यहाँ का एरिया घूमो, और मतलब मेरे को आपको लगेगा नहीं कि मैं राजस्थान में हूँ। और इतना गजब का व्यू है ना, बस पूछो ही नहीं। मैं यहाँ रास्ते पर जा रहा था और ये एक छोटी सी पहाड़ी है, इस पर खड़ा होकर ना चारों तरफ का व्यू दिख रहा, तो मैंने सोचा आपको चारों तरफ का एक अच्छा सा व्यू दिखा देते हैं। तो अभी आपको एक व्यू दिखाते हैं चारों तरफ का, क्या गजब का एरिया, देखना आप आराम से।